अल्लाह ताला ने इंसान को जाहिल पैदा किया है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे। बाकी मखलूक के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हू थुम्मा हदा। रब वो है जिसने हर चीज़ को तख्लीक किया, पैदा किया, फिर उसे हिदायत दी, तो माहदा उसे इल्म दिया ज़िंदगी गुजारने का। तो इंसान के अलावा सारी मखलूक इंतहाई तालीम याफ्ता होती, उन्हें अपने नफ़ा नुकसान का पता होता है, मुफीद मुज़िर का पता होता है, दोस्त दुश्मन का पता होता है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है इसका पता होता है। अंडे से निकलते ही बच्चा मुर्गी का चलता है, भागता है, दौड़ता है, बिल्ली को देख के माँ की तरफ दौड़ लगाता है, दाना चुगता है, कंकर परे कर देता है, पहले दिन से उसे ये सारी चीज़ें मालूम हैं। नबतात में भी अब सेब के ऊपर आम नहीं कभी निकलता, अंगूर की बेल पे करेला कभी नहीं पैदा होता। ये आप ज़रा इस नज़र से कायनात का मुताला करें तो आपको सारी कायनात इंसान के अलावा अपनी तरतीब ज़िंदगी में आला तालीम याफ्ता नज़र आएगी। इंसान पैदाइशी जाहिल आया, क्यों? कि इसका इम्तिहान है। इंसान के अलावा जितनी मखलूक है उनके अंदर सही इल्म है, गलत है ही नहीं। भैंस के आगे आप रख दो पुलाव पका के, वो मुंह मार के उधर फेंक देगी, उसके सामने घास रखो भूसा रखो शौक से खाएगी। शेर के आगे घास रखो वो भूखा मर जाएगा, घास को मुंह नहीं लगाएगा, गोश रखो खाएगा। ये मैंने आपको छोटी छोटी मिसालें दी। जितनी मर्जी आम पे मेहनत खुशामद कर लो, फल गर्मियों में ही देगा, सर्दियों में कभी नहीं देगा। डंडे मारो, सोटे मारो कि हुणे काट हुणे काट, वो कहेगा इंतज़ार करो, मई जून का इंतज़ार करो, उस वक्त निकलूँगा, अभी जितना मर्जी कर लो नहीं निकलूँगा। ठीक है, और किन्नू को जून में पिटाई शुरू कर दो भी सानू हुणे खट्टा खवा, वो कहेगा दिसंबर का इंतज़ार करो, उससे पहले नहीं आऊँगा। तो इंसान के अलावा जितने मखलूक हैं ये कितने सामने दरख्त हैं, ये फल पैदा नहीं करते, ये तकसीम कहाँ से है? दरख्त ही तो है, फल क्यों नहीं? और ये सेब का दरख्त है, इस पर फल क्यों निकल आता है? ये आम का है, इस पर फल क्यों निकल आता है? ये मैं आपको मिसालों से अपनी बात वाज़े कर रहा हूँ कि इंसान के अलावा हर चीज़ तालीम याफ्ता, सही तालीम याफ्ता, गलत नहीं। उनके अंदर गलत वाला सिस्टम ही कोई नहीं। इंसान पैदाइशी जाहिल और अंदर दो लाइनें, दो पाइप, दो रास्तों के लेने की सलाहियत, फअलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। बुराई का इल्हाम भी कर दिया और अच्छाई का इल्हाम भी कर दिया है। इसके बाद रास्ते दोनों वाज़े कर दिए हैं, वहदैनाहुन नजदैन। दो रास्तों को टीले से तस्वीर, हमने तुम्हें दो टीले दिखा दिए, टिब्बे है तो एक हिदायत का रास्ता, एक गुमराही का रास्ता। ठीक, लेकिन तशबीह किससे दिए? इन्ना हदैना हुस्सबील, यहाँ वाज़े अस्सबील अलिफ लाम के साथ, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अवई तेरी मर्जी है, शुक्र गुजार बन या तो नाशुकरा और काफिर बन। यहाँ सबील को, रास्ते को टीले से तशबीह दी है ना,
कि कमज़ोर नज़र वाले को भी वो दिखाई देता है, जिसकी नज़रें कमज़ोर हैं वो भी देख लेता है, और टिब्बा है और टीला है, ठीक है, पहाड़ी है। तो नजदैन में इशारा है कि हक और बातिल, सही और गलत, सच और झूठ, इसको अल्लाह ने इतना वाज़े कर दिया है। जैसे एक पहाड़ी नज़र आती है, टीला नज़र आता है, टिब्बा नज़र आता है, बग़ैर ऐनक के भी नज़र आता है, इस तरह अल्लाह ताला ने हक को वाज़े कर दिया। قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ, अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया। तो ये दो इल्म हैं जो इस दुनिया के बाज़ार में, एक शैतान लेकर आया, एक आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए। आदम अलैहिस्सलाम का इल्म अल्लाह तक पहुंचाता है, जन्नत तक पहुंचाता है, और शैतान का इल्म गुमराही तक पहुंचाता है और जहन्नम तक पहुंचाता है। तो हमें चूँकि इम्तिहान देना था, तो हमें हमारे अंदर गलत की सलाहियत भी है और सही की सलाहियत भी। इस ज़बान से मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, सच भी बोल सकता हूँ, गाली भी दे सकता हूँ, दुआ भी दे सकता हूँ, तारीफ़ भी कर सकता हूँ, गीबत भी कर सकता हूँ, इल्ज़ाम भी लगा सकता हूँ, पर्दापोश भी कर सकता हूँ, ये इन नज़रों से गलत भी देख सकता हूँ, सही भी देख सकता हूँ, इन कानों से गलत भी सुन सकता हूँ, सही भी सुन सकता हूँ, तो अपने पैसे को गलत भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, सही भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद इन यौमल फ़स्ल काना मीक़ाता, चलो कुल कुल्लू यअमलु अला शकलिह, जो करना है करो, इन यौमल फ़स्ल काना मीक़ाता, फैसले का एक दिन तय हो चुका है, उसने आना है, उस दिन फिर खरा अलग हो जाएगा, खोटा अलग हो जाएगा। वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरमून, आज मुजरमों को अलग कर दो। यहाँ तो रल्ला मिला चलता है, यहाँ शिमर जैसे फातह बने, हुसैन जैसे मफतूह बने, यजीद जैसे बादशाह बने, और आले रसूल जैसे सर कट के नेज़ों पे चढ़े। ये इम्तिहान की जगह है, ये फैसले की जगह नहीं है।